हेलो दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे एंड्रॉइड्स के ये वीडियो सिर्फ एंड्रॉइड यूजर्स के लिए है, कुछ ऐसे सेटिंग्स बताऊंगा जो 90% लोगों को तो पता ही नहीं होगा। ये सेटिंग में आप अपने फ़ोन की पूरा लुक बदल सकते हैं। और बहुत लोगों की तकलीफ होती है कि हाँ टेक्स्ट जो होता है वो बड़े टेक्स्ट बिग करके देखते हैं, स्क्रीनशॉट खींच के उसको बिग करके देखते हैं, तो भी आपका प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा क्योंकि ये वीडियो को देखते जाइए अंत तक। हेलो दोस्तों, मेरा नाम शिवम पांडे और आप देख रहे हैं ITG नेटवर्क। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो कर दीजिए लाइक। और अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कर दीजिए जरा। बहुत लोग जो होते हैं टैक्स जो रहता है टैक्स के लिए कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं कि कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं और उसको आप सुनना चाहते हैं कि टेक्स्ट लिखा क्या है पूरा ऐप, तो आपको कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी चाहिए क्योंकि आपके फ़ोन में एक ऐसे सेटिंग है जिसे आप आसानी से टेक्स्ट रीड कर सकते हैं। तो क्या है सेटिंग जरा मैं आप बताता हूँ। सबसे पहले आप अपने फ़ोन के सेटिंग में आ जाइए। सेटिंग में आने के बाद आपको वहाँ पे एक्सेबिलिटी का ऑप्शन रहेगा और एक्सेबिलिटी ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद सिलेक्ट टू स्पीक ऑप्शन पर क्लिक करिए। उस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद उसको ऑन करिए। ऊपर जो ऑन आपको आइकॉन बटन दिख रहा है उसको ऑन करिए। ऑन करने के बाद आपको कुछ फ़ोन अपना इस तरह का लुक दिखेगा, जो कोई भी आप वहाँ पर जैसे उस पर क्लिक करेंगे नीचे जो दिया है उस पर क्लिक करने के बाद आपको जैसे ही क्लिक करेंगे जो टेक्स्ट रहेगा आपने आपको वो बोलना चालू कर देगा। नंबर टू, तो आप में से बहुत लोग जो होते हैं टेक्स्ट को हाईलाइट करना चाहते हैं, मैंने आपके फ़ोन में हो नहीं पाता, तो मैं आपको बताता हूँ आप कैसे हाईलाइट कर सकते अपने फ़ोन में। तो सबसे पहले अपने फ़ोन के सेटिंग में आ जाइए। सेटिंग में आने के बाद आपको एक्सेबिलिटी में जाना है। एक्सेबिलिटी में सबसे नीचे स्क्रॉल डाउन करने पे वहाँ हाईलाइट का ऑप्शन दिया हुआ है, उस पर क्लिक करते आपका जितने भी टेक्स्ट है वो सब हाईलाइट हो जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते इसमें इस स्क्रीनशॉट में आपका जो टेक्स्ट है पूरी तरीके से हाईलाइट हो चुका है। चलिए बात करते हैं नंबर थ्री। जैसे कि तीसरा आपको बताता हूँ, सबसे पहले आप अपने सेटिंग्स में आ जाइए। सेटिंग्स में आने के बाद एक्सेसिबिलिटी में चला जाइए। एक्सेसिबिलिटी में जाने के बाद आपको नीचे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करने के बाद एक मैग्नीफिकेशन का ऑप्शन दिखेगा, उस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद उसको ऑन कर दीजिए। ऑन करने के बाद आपको होगा ये कि आपको जो चीज़ जो टेक्स्ट अगर बहुत छोटे में रहेंगे आप ज़रा नहीं करें तो आपको उसको लिए जूम करना पड़ता था ना, तो आप डबल उस टेक्स्ट पे डबल क्लिक करके आप उसको जूम कर सकते हैं आराम से। तो ये आपको ये, चलिए बात करते हैं अब चौथे नंबर बात करते हैं। आप में से बहुत लोग एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में वीडियो शेयर करने के लिए बहुत सारे थर्ड पार्टी ऐप्स को यूज़ करते हैं। मैंने आपको आपको एक ऐसा ट्रिक बताने वाला हूँ जिस कारण आपको थर्ड पार्टी ऐप यूज़ करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो वो कैसे हो चलिए आपको बताता हूँ। इस आपको सबसे पहले आपको जो सेंड करना है दूसरे के मोबाइल में वो फाइल चूज़ कर लीजिए। जैसे मैं फाइल चूज़ करता हूँ, ये फाइल चूज़ करने के बाद इसको ऊपर थ्री डॉट्स पे ऊपर क्लिक करता हूँ, उधर शेयर के ऊपर ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ। शेयर का ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद वहाँ नियर बाय शेयर का ऑप्शन आ रहा है। नियर बाय शेयर का ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप नियर बाय शेयर कर सकते हैं। और दूसरे के फ़ोन में आप उधर सबसे पहले उसके सेटिंग्स में जाइए। सेटिंग्स में जाने के बाद गूगल पर जाइए और गूगल में वहाँ लिखा रहेगा नियर बाय शेयर, तो उस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप आसानी से शेयर कर सकते हैं विदाउट एनी थर्ड पार्टी ऐप्स के द्वारा। अब बात करते हैं फिफ्थ। तो फिफ्थ के आपको सबसे पहले आपको सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद फ़ोन के अबाउट में जाना है, वहाँ बिल्ड नंबर ऑप्शन है, वहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको डेवलपर ऑप्शन मिल जाएगा आपके फ़ोन में। चार बार क्लिक करिए बिल्ड नंबर पे, उसका डेवलपर ऑप्शन आ जाता है आपके फ़ोन में। उसके बाद उस पर क्लिक करने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद कुछ और थोड़ा नीचे आने के बाद जैसे कि और नीचे आने के बाद आपको फोर्स RTL लॉल आउट डायरेक्शन दिया रहेगा, उस ऑप्शन पे क्लिक करिए।
और इसी जैसे क्लिक करेंगे तो आपको फ़ोन जो है वो कुछ न्यू लुक में आपको आपको दिखाई देगा। जो राइट में था वो लेफ्ट में हो जाएगा और जो लेफ्ट में था वो राइट में हो जाएगा, मतलब कि पूरे तरीके से एक न्यू लुक में आपको आपका फ़ोन मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो कर दीजिए लाइक और चैनल को दे सब्सक्राइब। अगर आपको ये वीडियो में आपको कोई भी नया सीखने मिले तो कमेंट करिए। आप अगर आप कौन से एंड्रॉयड यूज़ करते हैं वो कमेंट में ज़रूर लिखिए। और